आइए जानते हैं दिल्ली की उन 10 जगहों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों, आत्माओं और कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। दिल्ली कंटोनमेंट। दिल्ली कैंट की स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास में एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितना तेज भाग कर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की बात भी कही है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की अभी तक कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद ये किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई हो। फिरोज शाह कोटला। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। यह किला आज खंडर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार को यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलती दिखाई देती है। अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है। मालचा महल। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण रिज के बिहड़ों में छुपा हुआ है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ यहाँ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उसी महल में भटकती है। कश्मीरी गेट। यह स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। हाँ, यादें और साए अभी भी इस इमारत के आसपास रहते हैं, इसलिए इसे डरावना माना जाता है। भुली भतियारी का महल। यह महल किसी ज़माने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भुली भतियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ के माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। करबला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साए दिखने और उनकी हरकतों के गवाह हैं आसपास के लोग। जमाले कमाली का मकबरा और मस्जिद। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। खूनी दरवाजा। यहीं बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेजों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से 3 शहजादे इसी इलाके में साया बनकर मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।